अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आप देख रहे हैं वकार क्रिकेट शो। इरफान पठान ने एक बच्चे से जब बाबर आजम और विराट कोहली में से किसी एक को लाइक करने को कहा तो बच्चे ने बड़ा शानदार जवाब दिया। इसके अलावा इंडियन मीडिया का भी रिएक्शन इसके ऊपर फिर निकल कर सामने आया। जी हाँ दोस्तों, भारत के लेजेंड सुपरस्टार ऑलराउंडर इरफान पठान ने जब एक छोटे से बच्चे से इंग्लिश में जो है सवाल पूछा बाबर आजम और विराट कोहली को लेकर के, आप जो है वो किसको यानी कि पसंद करते हैं और आपकी नज़रों में जो है कौन सबसे आगे है इस वक्त, उसने जवाब दिया कि बाबर आजम इस वक्त दौरे हाजिर का बेहतरीन बल्लेबाज है। तो इरफान पठान ने फिर पूछा कि विराट कोहली क्यों नहीं आगे, विराट को वन कर लेते हैं, बाबर को दो कर लेते हैं। उनका कहना है कि नहीं, मौजूदा वक्त का बेहतरीन प्लेयर है बाबर आजम और बाबर आजम की जो परफॉर्मेंस है वो किसी से ढकी छुपी नहीं है। और उनका उनका कहना है कि विराट कोहली का अब एंड हो चुका है, विराट कोहली का कैरियर जो है वो इख्तिताम पजीर होने जा रहा है, लेकिन बाबर आजम राइजिंग स्टार है, ज़बरदस्त किस्म का बल्लेबाज है। तो उनका कहना है कि मैं बाबर आजम को जो है यानी कि यहाँ पर पॉइंट दूंगा, जो बाबर आजम को मैं आगे रखूंगा। इसके अलावा जो भारतीय मीडिया है उसका डिफरेंट रिएक्शन निकल कर सामने आया कि इरफान पठान इस तरह के सवाल क्यों करता है, या बाबर आजम और विराट कोहली का जो कंपेयर है, हालांकि वो पूरी दुनिया में जो है वो हो रहा है कि बाबर आजम क्या चीज़ है, बाबर आजम की तारीफ जो है वो हो रही है। इसके अलावा डैनियल विटोर ने जब उनकी तारीफ की, इसके अलावा फिर जो न्यूजीलैंड के ही है साइमन डोल ने तारीफ की, इसके अलावा इंडिया के खुद जो बड़े लेजेंड हैं सीनियर स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट हैं जिस तरह विक्रांत गुप्ता, वो तारीफ करते रहते हैं। इसके अलावा आकाश चोपड़ा बातें करते रहते हैं। तो भारत के भी जितने अच्छे क्रिकेटर हैं वो भी बाबर आजम की तारीफ करते हैं, क्योंकि जो अच्छा है या जो सच है वो सामने आना चाहिए, क्योंकि बाबर आजम की इतनी काबिलियत है, बाबर आजम ने अब अपने आप को मनवा लिया कि दुनिया क्रिकेट में बाबर आजम के चर्चे होते हैं। अगर आपको अपडेट चलेगी तो लाइक कर देना, चैनल पर पहली बार आए चैनल को सब्सक्राइब प्लीज़।